तारक मेहता का उल्टा चश्मा आगन आजे અહીંયા બધા આમ 8:30 9 વાગે આસપાસ આવી ગયા તો એમનું તારક મહેતા જોવાનું રહી ગયું હશે બેઝિકલી તારક મહેતા છે ને આમ બહુ હસાવે એવી સિરિયલ છે એમાં લોકો બધા ખુશ છે એમ વહુઓ એટલે ખુશ છે કેમ કે એમાં સાસુઓ નથી આ બેઝિકલી એક જ કોન્સેપ્ટ છે હવે એવી જ રીતના આપણે અહીંયા બી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના અમુક કલાકાર આવી આવ્યા છે બારે આવે છે સેટ થઈ જશે પેલી બાજુ બી સેટ થઈ જશે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા હા તો તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માનો એક એપિસોડ અમે બી તમને બતાવી દઈએ આપણા જ સમાજ વતી બતાવીએ છીએ તો જોઈએ આપણે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા નવકાર મહિલા મંડળ गुड इवनिंग गोकुलधाम, मैं हूं रीटा रिपोर्टर और आप सबको लेके आई हूं गोकुलधाम सोसाइटी में। यहां हमारी टीम ये सर्वे करने आई है कि कैसे कोई रह सकता है फिट। आखिर सुबह तो सब फ्रेश होते हैं, पर शाम तक एक्टिव और एनर्जेटिक कौन रह सकता है? तो चलिए पूछते हैं गोकुलधाम वासियों से। सबसे पहले पूछेंगे अंजलि तारक मेहता, जो है डाइट फूड कॉन्शियस। अंजलि जी, आपका क्या कहना है? मैं और तारक तो डाइट फूड ही खाते हैं, इसलिए हम तो फिट ही है। वैसे मैं तो लो कैलोरी, लो फैट और हेल्दी फूड ही खाती हूँ, और करेले का जूस तो मैं रोज पीती हूँ, इसलिए तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। एनर्जेटिक? अभी तो आप बता रहे थे भाभी कि आप थक गए हो। हाँ हाँ, वो क्या है, क्या मैं ज्यादा खाना कहाँ खाती हूँ? अब खाना ही कम खाऊंगी तो शाम तक तो थक ही जाऊंगी ना। हाँ, वो बात तो सही है, अभी कम खाएंगे तो शाम तक थक जाएंगे। मतलब ज्यादा खाने वाले फिट रहते होंगे। कोमल भाभी, आप बताइए, आप तो फिट हो ना? ऑफ कोर्स नॉट। ज्यादा खाना बनाने के लिए ज्यादा पकाना पड़ता है, और ज्यादा पकाने के लिए ज्यादा मेहनत, और ज्यादा मेहनत के लिए ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा खाना। तो खाना पकाना, खाना पकाना, खाना पकाना, खाना, उस चक्कर में शाम तक तो मुझे चक्कर ही आ जाते हैं। सही बात है, देखो ना भाभी कितनी कमजोर हो गई हूँ। वरना मैं भी बबीता के जैसे जिम जाके अपने आप को मेंटेन नहीं रखती क्या? बबीता जी, आप तो हमेशा वेल मेंटेन, वो कैसे? वेल एक्चुअली मैं इतना सारा जो करती हूँ, सुबह योग, मेडिटेशन और शाम को जिम के साथ एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो फिर अब आपकी बैटरी इतनी लो क्यों लग रही है? ऑब्वियसली इतना सारा वर्कआउट करूंगी तो शाम तक लो बैटरी का सिग्नल आ ही जाएगा ना, बट रात को जब मैं आराम कर लूंगी तो आई विल गेट रिचार्ज। मतलब अभी के लिए तो कोई फिट नहीं है? यानी माधवी जी आप यहाँ पे आइए, आप तो पक्का फिट होगी क्योंकि आप तो घर का काम भी करती हो और आचार पापड़ का बिजनेस भी, तो आप बताइए। सॉरी मी कई सांगू, मैं कहाँ फिट हूँ? शाम को वड़ा पाव क्या खाए, मेरे पेट में तो गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो मैं कब से वो कर रही थी। मतलब यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फिट नहीं है, यहाँ की औरतें तो यूं ही डींगे मारती रहती है। माता जी, अरे बॉबी क्या हुआ? रिटारी हूँ एक्टिव ने फिट नहीं लगती, अब तो एवरग्रीन गरबा क्वीन हो, ऑलवेज फिट, वो कैसे? वो अरे आप बताइए आप क्या करती हो? हेल्दी फूड, मेडिटेशन, योग, जिम, क्या? अरे मैं वो सब करती हूँ। अरे मैं नौपद की ओरी करती हूँ, नौपद की ओरी, उसमें
सुबह शाम प्रतिक्रमण करने जाती हूँ, उससे मेरा योगा हो जाता है। अरे मैं ऐसे खमाचने देती हूँ, उससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं लोगस का कौशल और नौकरवाड़ी करती हूँ, उससे मेरा मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन दया भाभी, मेडिटेशन। अरे हाँ, एज 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 अन्ने आंबे से वधु हेल्दी फूड बीजू कयू हो सके बोलो जरा। अरे ना रे, हूँ रोज आंबे नथी करती। अरे हूँ तो सूर्योदय थी पहला अने सूर्यास्त पछी काज नथी खाती। मतलब ये है आपका फिट होने का राज? अरे उतना से ज्यादा मैं खनमू नहीं खाती और बक्स भी नहीं खाती। मैं तो पाव या पिज्जा भी नहीं खाती। मैं तो घर के बनाए हुए थेपले दाल ढोकरी। हाँ, समझ में आ गया। मतलब ये कहना चाहती है आप इसलिए फिट हो क्योंकि आप जैन धर्म का पालन करती हो। अरे वही तो, कब से बता रही हूँ कि मैं जैन धर्म का पालन करती हूँ। हाँ, तो आखिर हमें पता चल ही गया है कि फिट एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए हम सबको जैन धर्म का पालन करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोक्षल के साथ मैं रीटा, कैमरामैन मोक्षल के साथ मैं रीटा रिपोर्टर चैनल का। हेलो, तो चलो सब साथ में बोलते हैं, 1 2 3 4 जैन धर्म का जय जयकार, 1 2 3 4